सब शॉपिंग कर लिए? अच्छा पैसे खत्म हो गए तो बोलना, श्यामा भाई को फोन कर दूंगा। भाई एक बार, लोकेशन बहुत अच्छा है। ऐसा क्या? और भाभी की फोटो मैं अभी निकालता हूं। ओके चल रेडी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, रेडी रेडी। एक भाई हाँ? अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है। अच्छा हंसना है क्या? हाँ, हाँ एक मिनट रेडी भाई। मुझे पहचानो? भाई 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 मैं भाई। क्यों रे, अभी तक वो मिली नहीं क्या? नहीं मिली भाई। वो मिली नहीं, इस टेंशन में तुमने खाना तो नहीं छोड़ दिया? तीनों टाइम बिरयानी खा रहे हैं भाई। मेरी तो मेरे भेजे हुए पैसों से बिरयानी खा रहे हो तुम लोग। अगर उसको लाए बिना तुम लोगों ने यहाँ कदम रखा तो तुम्हारी पूरी फैमिली को मौत का पैकेज दे दूंगा। सांड कहीं का रख। भाई उन्होंने कहा कि लड़की नहीं लाए तो सबको खच 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 मार देंगे। चलो चलो ढूंढो, तुम उधर ढूंढो, सारे ढूंढो यार। आप डर गए क्या? ऐसी शक्ल में आओगे तो आदमी डरेगा ना। आप मेरे बाप है फिर भी डर गए मेरी ऐसी हालत करने वाली, अभी तक आपके पकड़ में नहीं आई है। लगता है आपके बस की बात नहीं है और मुझे ही उस लड़की को ढूंढना पड़ेगा। हट जाइए। जिसने मेरे चेहरे का ये हाल किया उसे पकड़ के मैं उसे मार दूंगा। कल कार थी इसलिए तुम बच गए, ठीक है? कल मेरे पिताजी ट्रेन ब्लास्ट प्लान कर रहे हैं। ऐसा मत कहो नंदिनी, कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते। मेरे पिताजी को क्या समझाए तुमने? फिल्म की कहानी सुनाओगे तो वो कन्विंस होकर हमारी शादी कर देंगे। तुम्हारे पिताजी को पहले ही एक हार्ट अटैक आ चुका है, हमारे प्यार की बात सुनकर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए सिनेमा स्टोरी कहकर अपनी लव स्टोरी सुनाऊंगा, तुम्हारे पिताजी को कन्विंस करूंगा। इसके बाद कहूंगा सिनेमा स्टोरी नहीं है, हमारी अपनी लव स्टोरी है और उन्हें मना लूंगा। तो ये है तुम्हारा प्लान? क्या रे, परसों ब्लास्ट करा दिया, अब बैठ के चीटिंग कर रहा है। रुको, ये मैटर मैं डायरेक्टर सर को अभी तुरंत बताऊंगा। हेलो सर। नमस्कार सर, मैं यादगिरी बोल रहा हूँ। यादगिरी तुम? हाँ मैं बोल रहा हूँ सर। किस लिए फोन किया? अरे सर मैं यहाँ कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप में आया तो देखा कि यादगिरी बाबू है। हाँ आप बताइए उनको। हेलो, उसने मेरे बाबू में विचर डाल दिया सर। हेलो बोलो, ये भी बता दो सर, इसने इसको पप्पी दी। इसकी तो मेरे साथ खेल रहा है तू। चलो सर, वो तो ना एक दूसरे के साथ। तुझे मालूम है ना विसिल की आवाज मुझे पसंद नहीं, फिर भी तू इतनी देर से जानबूझकर बचाए ही जा रहा है। आज तक ऐसे लोकेशन में किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? नहीं ना, सबसे हटकर काम करना मेरी स्टाइल है। ओके, इसीलिए फिल्म का 35वां पीसी मैंने यहाँ रखा है। ये भी एक्शन फिल्म है ना सर? फिल्म इंडस्ट्री में एक्शन सिनेमा बोले तो पृथ्वीराज, पृथ्वीराज बोले तो एक्शन सिनेमा। मतलब आपको लव स्टोरी बनाना नहीं आता? किसने पूछा? हे किसने पूछा ये सवाल? क्या पूछा, क्या सवाल है तुम्हारा? मैं नहीं कहता सर, पर आप लव स्टोरी नहीं बना सकते ये बात सब लोग कहते हैं। मतलब एक्शन फिल्में बनाना इजी है क्या? लव सिनेमा बनाना बहुत मुश्किल है सर। एक्शन सिनेमा में क्या है, आधा सीन तो फाइट मास्टर निकाल देता है, गाने डांस मास्टर निकाल देता है, बचे हुए 4 सीन आप निकालते हैं और क्या। लोग ऐसी बातें कहते हैं सर। लव सिनेमा में ये सब नहीं होता ना, इसलिए मुश्किल है लोग कहते हैं। चैलेंज मत दो मुझे, जिस दिन मैंने लव सिनेमा बनाने की ठान ली ना सुपर हिट होगी वो। ऐसा है तो अच्छा सर, लव सिनेमा बनाकर खुद को प्रूफ कीजिए सर। प्रूफ करूंगा, जिस दिन अच्छी कहानी मिल गई अपने आप को प्रूफ कर दूंगा। मतलब अगले प्रेस मीट में आप कहेंगे कि आपको कोई अच्छी कहानी नहीं मिली है ना सर? ए, ए, कहना क्या चाहते हो, अच्छी कहानी न्यूज़पेपर में छपती है जो हर रोज मिलती है। है कोई कहानी तुम्हारे पास? है क्या? है तो सुनाओ, सुनाओ ना। क्या हुआ? हाँ हाँ बोलो ना। बताता हूँ सर। कब बताओगे? अगले पीसी में बताओगे, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। नहीं सर, अब आपने कहा है तो मैं अभी सुनाता हूँ। ठीक है, कल सुबह 10 बजे घर पर आ जाना, फिर सुनते ओपन करते हैं। ओपन कर भाई। ओपन करते हैं। ओपन कर। ओपन करते हैं। करता हूँ ना। तू कहाँ से टपक गया? मैं खुद नहीं आया, तुम्हारी दादी ने भेजा है। तुम जिस लड़की से प्यार करते उसे लेकर नहीं आए तो वो अलकायदा से मिलके सारे गांव को भुनवा देंगी, समझे? अब जल्दी करो।
ये सब इतना आसान नहीं है। क्यों? पहले उसके पिताजी को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताना होगा। उसके पिताजी क्या करते हैं? सिनेमा डायरेक्टर। भाई भाई भाई, उनसे बोल के मुझे एक चांस दिलाना। मॉड्यूलेशन परफॉर्मेंस कमाल है भाई। हीरोइन कोई भी चलेगी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन विलेन ग्रुप में होना चाहिए। एक एक को मारूंगा। ये कौन है रे? विलेंस। इतनी जल्दी विलेन सेलेक्ट भी हो गए? कौन है रे तू? बादशाह। रिश्ते में तुम्हारा बाप लगता हूँ। नाम है बादशाह। मरेगा तू। अगर मैंने मारना चालू किया ना तो फिल्म रिलीज से पहले हिट हो जाएगी। डर गया। डर गया रे। कैसी रही मेरी परफॉर्मेंस? आई नो यू लाइक इट। अच्छा एक बात बता भाई, तूने इतना सारा मसल्स कैसे गेन किया? जिम जाके? विलेन के लिए तो बिल्कुल फिट है। ये तो पूरा विलेन जैसा ही दिखता है और इसका फेस भी फोटोजेनिक है। रियल विलेन जैसा मार रहा है। वो रियल विलेन ही है। तूने पहले क्यों नहीं बताया? तूने इतना टाइम ही कहाँ दिया? चाकू है, रुमाल है। तू कुछ भी कर ले, मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। ये लॉफिंग गैस है, इससे बचकर दिखाओ। इसे अपना काम करने दो, हम अपना काम करते हैं। हेलो भाई। हाँ, अपनी गाड़ी को उठा के ले जा रहा है भाई। अबे तेरी तो क्या बोल रहा है, हमारी गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं और तू हंस के बता रहा है? तुम तो भाई ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे जैसे उसमें कोई सोना रखा था। अरे उसमें सही में सोना है रे, 100-200 का नहीं, 50 लाख का सोना है। क्या 50 लाख मेरी गाड़ी में? अबे एरिया में चल। पिताजी शाम तक आप राजा जैसे थे, सवेरे होते ही बाजे की जरूरत पड़ी। तो 100 साल के हो जाते। मेरा कौन है? मेरा कौन है पिताजी? नई एंट्री किसकी हो गई? मेरा सोना। हाय, सोना सोना बोल के प्यार से बुला रहा है, ये भी उन्हीं का आदमी लगता है। ए, मेरा सोना। हट जा किसे, अगर बीच में आया तो काट डालूंगा। ए, मुझे काट सके ऐसा कोई बाई का लाल पैदा नहीं हुआ। तू हटेगा या तुझे समझाए? भाई आपका सोना उठाने के लिए बहुत से लोग पीछे पड़े हैं। ऐसा क्या? बोल सोना, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ जरूर। ए, चलो। लेके आ गया। ए, मैटर पुलिस तक पहुंच गया है, वो आगे से लेफ्ट ले ले। लगता है डर गया। हाँ, तूने जो गली बताई थी वहीं आया। रुक जा। हाँ, ये पुलिस हमारा पीछा नहीं कर रही थी? ओके, फर्स्ट लेफ्ट क्या? ए, रिवर्स ले ले। ए, रुक रुक, पुलिस फिर से आ गई, इनके पास पक्की इन्फॉर्मेशन है, चल आगे। लगता है वो पुलिस को लेकर आया है। मैं लेफ्ट दिखाता हूँ, तू राइट में लेके चल भाई। अच्छा बेको बनाया भाई। ये पुलिस लगता है हमारे ही पीछे लगी हुई है। आओ भाई, ये पुलिस वाला तो हमें ही फॉलो कर रहा है। ए, ब्रेक लगा।
ये क्या है सर, आप हमको फॉलो कर रहे हैं? हम कोई स्मगलर नहीं है, हम सोना लेकर गाड़ी में घूम रहे हैं, ऐसे चेकिंग कर रहे हो आप? आप चाहो तो गाड़ी चेक कर लो। एक काम करो, जाके उसका गाड़ी चेक करो। हाँ चेक कर लो। हाँ हाँ, पूरी गाड़ी अच्छे से चेक करो, देख लो। सर इसमें सोना है सर। मतलब सोना दूसरी गाड़ी में नहीं रखे? नहीं सोना, बीच में कोई और ही सोने के साथ मिल गया, उसे लॉकअप में डालकर आता है। तो क्या आप हमारा पीछा नहीं कर रहे थे? तेरी तो, मैं सोने का एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, ऊपर से तू और कंफ्यूज कर रहा है। चल बैठ जीप में। इसने उन लोगों को जितना मारा उसका सूद समेत उन्होंने मुझे दे दिया।